क्या हाल चाल भाई लोग। अगर इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में कोई सबसे अनलकी प्लेयर है तो वो है संजू सैमसन। पहले T20 वर्ल्ड कप में निकलाया गया, फिर न्यूजीलैंड सीरीज में चयन तो हुआ लेकिन 3 ODI में से सिर्फ 1 में खिलाया गया। वो T20 मैचेस में भी संजू से पूरी सीरीज में सिर्फ पानी ही पिलवाया गया और आगे भी बांग्लादेश सीरीज से संजू का नाम हटा दिया गया। अब जाहिर सी बात है, किसी डिजर्विंग प्लेयर के साथ आप ऐसा करेंगे तो लोग विरोध तो करेंगे ही, और ट्विटर पर हैशटैग जस्टिस फॉर संजू ट्रेंड करने लग गया। वहीं ऋषभ पंत जो पहले 5वें या 6वें नंबर पे खेलते थे, फ्लॉप होने के बाद 3रे और 4थे नंबर पे खेलने लग गए, और जब वहां भी रन नहीं बने तो पंत को टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद पंत ने ओपन करना स्टार्ट कर दिया और वहां भी पंत ने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, बावजूद इसके पंत का नाम बांग्लादेश दौरे के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। और अगर वहां भी पंत नहीं चलते हैं तो शायद टीम का कैप्टन भी पंत को ही बना दिया जाएगा। अब या तो सेलेक्टर्स ने गांजा फूंक रखा है या BCCI को पंत से अलग ही लेवल का प्यार है। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहां से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस रणजी खेले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? साल 2022 में पंत ने 25 पारियों में 21 के मामूली एवरेज से सिर्फ 364 रन बनाए। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी प्लेयर का एवरेज कम है तो उसका स्ट्राइक रेट फाड़ू होना चाहिए, पर पंत ने ये रन 130-32 के स्ट्राइक रेट से बनाए। वहीं बात करें संजू सैमसन की, तो संजू ने अब तक इंडिया के लिए सिर्फ 10 ODI मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 73.5 के गजब के एवरेज के साथ 294 रन बनाए और 2 हाफ सेंचुरीज भी लगाई है। और T20 में भी संजू ने अब तक इंडिया के लिए सिर्फ 16 मैच खेले हैं। और बात करें उनके पिछले 5 मैचेस की, तो 39, 18, 77, 30 और 15 रन की पारियां शामिल है। न्यूजीलैंड सीरीज में 3 T20 और 3 ODI मैचेस में पंत ने सभी 6 मैचेस में कुल मिलाकर 29 रन बनाए, जबकि संजू को 1 मैच खिलाया गया जहां उन्होंने 36 रन बनाए। फिर भी बांग्लादेश सीरीज के लिए संजू का नाम नहीं लिया गया है। कैसा गया? 3 बॉल कीपिंग के लिए बुलाया और 1 ओवर बैटिंग दिया। यही करना होता तो बुलाते क्यों? सबके साथ ऐसा किया? नहीं, हमसे ही कुछ खास लगा होता। एक बंदा जो लगातार फ्लॉप हो रहा है, आप उसे टीम का वाइस कैप्टन बना रहे हो, और एक प्लेयर जो डिजर्व करता है उसे आप या तो सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, और जब सेलेक्ट कर रहे हो तो खिला नहीं रहे हो। न्यूजीलैंड कमेंटेटर सिमोन ड्योल ने भी BCCI को एक्सपोज किया। कॉपीराइट आ सकता है इसलिए मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप ये ऑडियो सुनिए। For me it's a very simple question. Who's the best batter? Because I don't see any difference in keeping prowess between Sanju Samson and Rishabh Pant. So who is the best batter, and are you just picking Rishabh Pant on his test match stats and on the reason he's a left-hander? Are you leaving Sanju out, who averages 66 in 11 games and hardly gets an opportunity, over a bloke who averages 34 and has had over 30 or almost 30 games? So it's a good sample size. Absolutely, it's a tough one. I mean, these two young guys, and as an Indian fan, we are blessed to have the talent around. जब सिमोन ने सवाल किया कि पंत ने 66 मैच खेले हैं लेकिन संजू को मौके नहीं मिल रहे, क्यों? इस पर साथ के इंडियन कमेंटेटर अजय जडेजा कहते हैं कि इंडिया में टैलेंट भर भर के दिया गया है, दोनों में से एक को चुनना काफी मुश्किल है। अरे, ये देखने के बाद भी काफी मुश्किल है क्या तुम्हारे लिए? और रही बात टैलेंट की, तो उसकी कदर आप लोग कर कहां रहे हो? और इसके अलावा अगर कोई संजू के सपोर्ट में आता है तो क्रिकेट एक्सपर्ट ये ट्वीट करते हैं, मेरा व्हाइट बॉल का भी रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है, ठीक है, T20 का। आप नहीं कह रहा हूं, मैं कंपैरिजन करना तो सर अपना लाइफ का पार्टी नहीं है ना। अभी मैं 24-25 इयर्स का हूँ, कंपैरिजन करना है तो आप जब मैं 30-32 का हो जाऊंगा तब करना, उससे पहले तो कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो तुम्हारे टीम में होने का भी नहीं है पंत भैया। और रही बात कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन उनका होता है जो रन बनाते हैं, और संजू के साथ तुम्हारा कंपैरिजन, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। फिटनेस का अब तुम्हें पता नहीं है, गेंडे जैसा तुम्हारा शरीर हो रखा है तो रन कहाँ से बनेंगे? एक टाइम था जब प्लेयर्स को लोग भगवान मानते थे, और एक आज का टाइम है कुछ गिने चुने लोगों ने क्रिकेट को अपने बाप की जागीर समझ लिया है। जब वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन की बात होती है तो तुम 10-10 विकेट से हार जाते हो, आधे प्लेयर तुम्हारे चोटिल हो जाते हैं, लेकिन जब बात IPL की होती है तब तुम्हारी सबकी फिटनेस सही हो जाती है। मनीष पांडे, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, रायडू, रिंकू, इतना टैलेंट भरा पड़ा है लेकिन तुम्हें तो अपनी चलानी है। 2022 में संजू ने इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 14 छक्के लगाए हैं, और सबसे ज्यादा 10 इनिंग ODI एवरेज भी संजू का ही रहा है, लेकिन खिलाना पंत को जरूरी है ना। देखिए, ऋषभ पंत को मौके मिलते आए हैं और शायद आगे भी मिलते ही रहेंगे, क्योंकि टीम इंडिया तब किसी की पर्सनल टीम हो ही चुकी है। छोटे कप्तान साहब कह ही चुके हैं कि ये तो मेरी टीम है, जिसे चाहेंगे खिलाएंगे। ये मेरी टीम है, अगर और कोच और मेरे को जो ठीक लगेगा बढ़िया है, खिलाइए। किसी का करियर खराब होता है तो होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें।